महंगाई के सताए आवाम एक और बम गिराने की तैयारी। बिजली की कीमतों में एक बार फिर 55 पैसे फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान। CPPA ने महाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की दरख्वास्त नेप्रा में जमा करा दी। नेप्रा अथॉरिटी CPPA की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, महंगाई के सताए आवाम पर एक और बम गिराने की तैयारी कर ली गई है। नेप्रा अथॉरिटी CPPA की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगी। और आपको बताएं, CPPA ने महाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की दरख्वास्त नेप्रा में जमा करा दी है। महंगाई के सताए आवाम पर एक और बम गिराने की तैयारी की गई है। बिजली की कीमतों में एक बार फिर 55 पैसे फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान है। CPPA ने महाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त नेप्रा में जमा करा दी। नेप्रा अथॉरिटी CPPA की दरख्वास्त पर कल समाअत करेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर से, CPPA ने महाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त नेप्रा में जमा करवा दी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा टैलेंट न्यूज़ सालिया बासी। सालिया, अपडेट कीजिएगा इस मुतल्लिक। देखिए, बिल्कुल, बिजली सारिफिन पर मजीद बोझ डालने की तैयारी कर ली गई है। कीमत में 55 पैसे फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान है। महाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरख्वास्त नेप्रा में दाखिल कर ली गई है। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से दरख्वास्त की गई है और मंजूरी की सूरत में सारिफिन पर 8 अरब 37 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेप्रा अथॉरिटी कल इस समात पर इस दरख्वास्त पर समात करेगा और अदाद व शुमार के बाद फैसला जारी करेगा। दरख्वास्त में मौकफ अपनाया गया है कि माह सितंबर में 12 अरब 92 करोड़ यूनिट बिजली की फरोख्त हुई है। हाइडल से बिजली की पैदावार 37.55%, RLNG से बिजली की पैदावार 15.95%, जबकि फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावार। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे।